इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। मैं हूं अक्षय चव्हाण और आज हम जानेंगे बस्तर रियासत की कहानी। बस्तर जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण रियासतों में से एक हुआ करता था। अब जब हम भारत की रियासतों की बात करते हैं तो हम बात करते हैं राजस्थान की रियासतों की, पंजाब के रियासतों की या गुजरात के रियासतों की, पर ईस्टर्न इंडिया में अगर सबसे बड़ी रियासत थी तो वो थी बस्तर। हमें लोग रियलाइज़ ये नहीं करते कि बस्तर रियासत जो थी वो ऑलमोस्ट जयपुर और बीकानेर इतनी बड़ी थी, और बड़ौदा रियासत की ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल साइज की थी वो। इट वॉज वेरी बिग। सिर्फ बात ये थी कि बस्तर जो है उसकी जो ज़्यादातर ज़मीन थी वो घने जंगल थे, जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन था, तो उसका रेवेन्यू इन बाकी रियासतों इतना नहीं था। आज जब हम बस्तर की बात करते हैं तो हमें न्यूज़ में यही दिखाते हैं कि नक्सली हमले हुए, दंतेवाड़ा में ये अटैक हुआ, इतने लोग मारे गए, ये हुआ वो हुआ, पर ये समझने के लिए कि बस्तर आज नक्सलियों का गढ़ क्यों है, हमें बस्तर रियासत का इतिहास समझना बहुत ज़रूरी है। अब प्राचीन भारत में पुराने इनफैक्ट इवन महाभारत और रामायण में भी इसका उल्लेख आता है कि भारत में बीचों बीच हजारों सालों तक एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था जिसे दंडकारण्य फॉरेस्ट कहा जाता था। तो ये जो फॉरेस्ट है जिसे दंडकारण्य फॉरेस्ट कहा जाता था, ये पश्चिम बंगाल से शुरू होकर दक्षिण में ज़्यादातर आज का जो तेलंगाना है ये पूरा क्षेत्र, महाराष्ट्र में विदर्भ का पूरा क्षेत्र, और वेरी बिग पार्ट्स ऑफ जो आज का जो महाकोशाल रीजन है जो मध्य प्रदेश का, ये पूरा इतना बड़ा जंगल हुआ करता था। और यहाँ पर अलग अलग ट्राइब्स रहा करते थे, उनके राजे हुआ करते थे एंड ऑल। हमें बस्तर के एंशंट हिस्ट्री के ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं मिलते हैं, हमें इतना पता है कि ये गुप्त काल की कहानी है, कि ये गुप्त काल का समय है, ये महाकवि कालिदास का समय है। तो जब महाकवि कालिदास जब प्रभावती गुप्ता जो गुप्त राजा की राजकुमारी थी वो ब्याह करके जब विदर्भ आई थी, तो उनके साथ वो भी रामटेक में आज भी एक स्पेक्टेकुलर टेंपल कॉम्प्लेक्स है, तो आए थे, तो तब वाकटका वहाँ पर राज था। तो हमें ये रेफरेंस मिलता है कि उसी के बगल में बस्तर में नल डिनेस्टी का राज हुआ करता था। अनफॉर्चुनेटली हमें ज़्यादा उसके एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। अभी का जो बस्तर राज परिवार है उसकी कहानी जुड़ी हुई है वारंगल, तेलंगाना का जो वारंगल है वहाँ के काकतिया राजाओं से। अब 12वीं-13वीं शताब्दी में जो आज का तेलंगाना है वहाँ पे द काकतियाज ऑफ वारंगल रूल किया करते थे, और उनकी सबसे फेमस शासक थी रानी रुद्रम्मा देवी, जो उस टाइम इस पूरे इलाके पर राज करती थी। इनफैक्ट मार्को पोलो ने उनका जिक्र किया है। तो जो रुद्रम्मा देवी थी वो बहुत अच्छी शासक थी, और जो वारंगल का जो राज्य है वो बहुत ही अमीर और समृद्ध राज था। तो क्या हुआ, उनके ये रानी रुद्रम्मा देवी के ग्रैंडसन के समय में है राजा रुद्र प्रताप देव। तो ये जो प्रताप देव है, मतलब रानी रुद्रम्मा देवी के ग्रैंडसन, ये उनके समय की बात है, ये अराउंड 1300s की बात है, कि मलिक कफूर जो अलाउद्दीन खिलजी के जनरल हुआ करते थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी फौज लेकर वारंगल पर हमला कर दिया और वहाँ पे काफ़ी लूटपाट मचाई, मंदिरें तोड़ी, काफ़ी डिस्ट्रक्शन यहाँ पे किया। फिर उस और ये जो वारंगल का राज है वो दिल्ली सल्तनत के अधीन किया। बाद में अलाउद्दीन खिलजी और ये मलिक कफूर के निधन के बाद, और ऑलमोस्ट दिल्ली में एक काफ़ी मारामारी और किलिंग्स चल रहे थे, तब जो उलुग खान करके एक
कमांडर थे दिल्ली सल्तनत के, उन्होंने जो वारंगल का राज है उसे ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ी फ़ौज लेकर उन्होंने वारंगल पर हमला किया और जो यहाँ के जो काकतिया राजा है प्रताप देव उनको बंदी बना लिया। तब ये जो काकतिया राजा है उनके छोटे भाई अन्नामा राजा जिन्हें कहा जाता था, उन्होंने अपने सारा खजाना, बीवी बच्चे और उनकी जो कुल देवी थी दंतेश्वरी, उन्हें एक हाथियों पर लाद दिया और सब बस्तर के जंगलों में चले गए। और फिर ये कहा जाता है कि देवी दंतेश्वरी ने ही डिसाइड किया कि एक एक स्पॉट है वहाँ पर उनका मंदिर होगा और यही है दंतेवाड़ा। आज तो हम दंतेवाड़ा सिर्फ नक्सल अटैक्स के लिए जानते हैं, पर वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। गोंड पद्धति का पहले था, अब मॉडर्नाइज हो गया है, शक्तिशाली और मंदिर है देवी दंतेश्वरी का। और जो काकतिया राजवंश है, जो डिनेस्टी है, दे बिकेम द प्रीस्ट्स ऑफ दंतेश्वरी। और आज भी जो बस्तर के जो राजा है उन्हें जो ये देवी के उपासक और देवी के पुजारी के मान के तौर पर ही लोग उन्हें रिस्पेक्ट और ऑनर देते हैं। तो इट इज़ ही इज़ लाइक द कस्टोडियन ऑफ द गॉडेस इन बस्तर। अब यहाँ पर अपना एक राज उनका शुरू हुआ जो काकतिया भंजदेव डिनेस्टी है उसमें। बिकॉज़ ये इतना घना जंगल और रिमोट इलाका था, यहाँ पर ज़्यादा आक्रमण नहीं हुए। हमें ये रेफरेंस मिलता है कि अराउंड 1615 और 1621 के बीच में मुगलों ने कोशिश की थी बस्तर पर हमला करने की, पर वो सफल नहीं हो पाया। अराउंड 1750s में जब मराठों की पावर बढ़ रही थी, अब ये बाजीराव पेशवा और उसके बाद का समय है जब मराठे जो महाराष्ट्र से निकलकर पूरे भारत में अपनी ताकत फैला रहे थे, तो जैसे सिंधिया, होलकर और जो पवार हैं उन्होंने मध्य प्रदेश में, गायकवाड़ों ने जो है वो गुजरात में अपनी सत्ता चलाई, तो ये जो नागपुर कर भोसले थे, हमने इनफैक्ट एक नागपुर रियासत पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उन्होंने उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़ पर हमला किया और उन्होंने बस्तर पर भी हमला किया। पर उन्होंने बस्तर, बिकॉज अगेन जैसे मैं हमने कहा कि एक रिमोट एरिया था, तो आपको वो कंट्रोल नहीं करना है, आपको सिर्फ बस्तर के राजा से लगान लेना है। बाद में जब 1818 में जब एंग्लो मराठा वॉर हुआ और उसमें मराठों की हार हुई, तो काफ़ी जो उनके जो ट्रिब्यूटरीज थे मराठों के, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए। तो इसी तरह से बाकी रियासतों की तरह जो बस्तर स्टेट भी है, जो पहले मराठों को ट्रिब्यूट दिया करता था, वो फिर वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया, और जिसे सेंट्रल प्रोविंसेस कहा जाता है, जो आज का छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के काफ़ी इलाके उसमें जो हुए हैं, तो उन्हें वो प्रिंसली स्टेट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस ऐसे कहा जाता था। इसमें बस्तर था, कांकेर का राज्य था उसमें, राजनंदगांव और ऐसे कई बाकी रियासतें भी थी जो आज छत्तीसगढ़ में हैं। अब अंग्रेज़ों के आने के बाद प्रॉब्लम ये हुआ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बस्तर का जो राज्य था वो ज़्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन था और उसका ज़्यादातर टेरिटरी भी थी वो फॉरेस्ट से घिरी हुई थी। अब अंग्रेज़ जब आए तो उन्होंने उनके जो फॉरेस्ट लॉज हैं कि आपको ये आप कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये लेना है, ये नहीं ले सकता है, तो ऐसे काफ़ी उन्होंने जो अपने ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज हैं वो उन्होंने बस्तर में इम्प्लीमेंट किए। और इसका प्रॉब्लम ये हुआ कि देखिए, ये जो यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो हज़ारों सालों से एक उनकी अपनी एक जीवन पद्धति थी, वो यहाँ के जंगलों का देखभाल करते थे, वो शिकार करते थे, जंगल से जो उन्हें मिलता था उपज वो उससे वो गुजारा करते थे। अब अंग्रेज़ों के साथ कॉन्ट्रैक्टर्स आने लगे, उनके साथ जो मनी लेंडर्स आने लगे। अब ये भी आप समझिए कि उस टाइम जो ट्राइबल्स की इकोनॉमी थी वो बार्टर सिस्टम थी कि ओके आप ये फल ले लो और मुझे ये दे दो। अब
अंग्रेज जब टैक्स वसूलते थे तो उसको करेंसी में लेना पड़ता था, तो उससे भी काफ़ी एक असंतुष्ट था जो बस्तर के रीजन में है उस वहाँ पर बहुत बड़ी। फिर बाद में बेगार जो फोर्स्ड लेबर है, तो इन ट्राइबल्स को ज़बरदस्ती कोड़े मारकर उनसे काम करवाया जाता था, और उन जैसे हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं, तो इट वॉज अ वेरी बैड फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और काफ़ी एक अत्याचार होने लगा बस्तर की जो ट्राइबल्स है उन पर। और ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो अत्याचार है वो अंग्रेज़ों ने नहीं किया, ये जो मनी लेंडर्स हैं, ठेकेदार हैं, जो भारतीय ही थे, उन्होंने ये अत्याचार किया। तो एक जिसे उबाल आता है, तो वैसे ही एक उबाल आया और 1910 में बस्तर में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। ये भारत का एक भारतीय इतिहास का एक फनी पार्ट है, ये है कि हम ऐसे कितने अनगिनत बट हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम नहीं जानते हैं, और वैसा ही एक बहुत बड़ा यही है जो भूमकाल रिवोल्ट है। पूरे बस्तर ने अंग्रेज़ों के खिलाफ और जो इन ठेकेदारों के खिलाफ, मनी लेंडर्स के खिलाफ विद्रोह किया था, उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर की, गुंडा धूर करके उनके लीडर थे वो मनी लेंडर्स को अटैक करते थे, ये जो गवर्नमेंट ट्रेजरीज को अटैक करते थे, उन्होंने रेजिस्टेंस करने की कोशिश की। पर आप देखिए, ये जो अंग्रेज़ थे और ये जो ठेकेदार के आदमी थे, उनके पास मॉडर्न गन्स थी, और जो ट्राइबल्स थे उनके पास बो एंड एरो था। ऑब्वियसली एक गन और बो एंड एरो में गन का ही पलड़ा भारी होगा। तो बाद में अंग्रेज़ जीत गए, काफ़ी लोगों को फांसी दे दी गई और ये जो रिवोल्ट है वो दबा दिया गया। बट वो जो चिंगारी होती है ना, वो जलती रहती है, और बस्तर में एक रिजेंटमेंट रहा कि आउटसाइडर्स के खिलाफ, क्योंकि वो एसोसिएट करते थे आउटसाइडर्स को एक्सप्लॉयटेशन और एक ब्रुटैलिटी के साथ। अब 1921 में जो बस्तर के राजा थे रुद्र प्रताप, उनका निधन हो गया, और उनकी बेटी थी प्रफुल्ल कुमारी, रानी प्रफुल्ल कुमारी, और उन्होंने अपनी, वो चाहते थे कि उनकी बेटी गद्दी पर बैठे। बट ऑब्वियसली हमारे जो इंडियन सिस्टम है या हिंदू सिस्टम है, उसमें जनरली जो डॉटर्स के अधिकार है वो इतने आसानी से, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उन्हें काफ़ी विरोध हुआ और पैलेस में षड्यंत्र हुए और काफ़ी एक डिस्प्यूट और काफ़ी अलग अलग चीज़ें हुई, और फाइनली जो ये जो प्रफुल्ल कुमारी है उनकी शादी जो मयूरभंज के राजकुमार है प्रफुल्ल कुमार, तो उनके साथ कर दी गई। तो 1921 से, मतलब जब ये जो रुद्र प्रताप राजा है उनका निधन हो गया, तब ये अंग्रेज़ों ने बस्तर स्टेट को अपने कब्जे में या अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ले लिया। अब ये जो रानी प्रफुल्ल कुमारी थी, उनके कई बच्चे हुए, पर उनके जो बड़े बेटे थे वो थे प्रवीर चंद्र भांजदेव, और प्रवीर चंद्र भांजदेव जो थे वो उनके पिता मयूर भांज से थे, तो उनके पिता भी एक जैसे हम बोल सकते हैं कि एंटी ब्रिटिश थे और एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे, और उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे ज़्यादातर समय तक। भारत आज़ाद होने तक, 1947 तक, यहाँ पर मोस्टली एक जिसे हम बोलते हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन या माइनॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन रहा, और भारत स्वतंत्र होने के कुछ ही महीने पहले प्रवीर चंद्र भंजदेव को जो है वो गद्दी सौंप दी गई। अब क्या हुआ, अब ये वो समय था कि जब सारी रियासतें विलीन हो रही थी। अब इंटरेस्टिंगली जो बस्तर का जो एक नेबरिंग प्रिंसली स्टेट था हैदराबाद, और हैदराबाद जो है वो तो हैदराबाद के जो निज़ाम है वो चाहते थे कि उनका एक स्वतंत्र राष्ट्र बने, हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो। तो तब अब बस्तर जो है उसके पास एक जगह है बलियाडीला, तो वहाँ पे जो कोल और कोल माइंस हैं और जो ये जो खदान की जो मिनरल्स हैं वो बहुत रिच और समृद्ध है। तो सब चाहते थे कि उन्हें इन बलियाडीला माइंस को एक्सेस मिल सके ताकि वो उसे एक्सप्लॉयट कर सके।
तो एक काफ़ी बात चली कि जो हैदराबाद स्टेट है वो इन बलिया डीला माइंस पर कंट्रोल कर लेगा और बस्तर पर कंट्रोल कर लेगा, और एक प्लान है कि बस्तर के थ्रू और जो उड़ीसा स्टेट्स के थ्रू पाकिस्तान के साथ एक कनेक्शन करने का। बट ये आई मीन ये तो सिर्फ एक पैरानोया और जैसे बोलते हैं ना हवा थी, पर इससे क्या हुआ कि जो सरदार पटेल है और जवाहरलाल नेहरू वो प्रवीर चंद्र भंजदेव के खिलाफ हो गए, बिकॉज उन्हें लगा कि ये हमारे भारत सरकार के खिलाफ कंस्पायर कर रहे हैं। अब बात ये हुई कि इवन दो महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव है, उन्होंने अपनी रियासत विलीन कर दी और फिर बाद में वो पहले सेंट्रल प्रोविंसेस हुआ करता था, तो बस्तर बिकेम अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस, उसके बाद मध्य प्रदेश का पार्ट बना। बट द प्रॉब्लम ये था कि जो हमने पहले जब भूमकाल रिबेलियन के वक्त देखा कि ये जो बाहर के लोग आते थे वो इन ट्राइबल्स को बहुत एक्सप्लॉयट करते थे, तो ये जो महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव है वो इन ट्राइबल्स के हक के लिए वो काफ़ी लड़ते थे। तो इसकी वजह से क्या होने लगा कि जो मध्य प्रदेश सरकार है भोपाल की और प्रवीर चंद्र भंजदेव के बीच में काफ़ी टकराव होने लगा। तो 1952 का अगर हम इलेक्शन देखें तो ये जो कांग्रेस पार्टी है वो बस्तर से पूरी तरह से हार गई थी। तो ये जो हाई कमांड है, जो भोपाल का जो रीजनल कमांड है, उन्हें लगा कि अब हमें वी हैव टू कट हिम टू साइज, अभी हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा प्रवीर चंद्र भांजदेव को। तो 1953 में उन्होंने क्या किया, जो राजा की सारी प्रॉपर्टीज थी वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ले ली, ये आरोप लगाकर कि ये राजा है वो अपनी जो पैसा है वो वेस्ट कर रहे हैं और अय्याशी कर रहे हैं ऑल। बट उसमें तथ्य नहीं था, बिकॉज सच बात तो ये है कि वो राजा की पावर को ख़त्म करना चाहते थे। फिर जब उससे बात नहीं बनी तो अर्ली 60s में उन्हें गद्दी से हटाकर उनकी प्रिवी पर्स बन करवा दी गई और उनके छोटे भाई को राजा बना दिया गया। बट अब 1966 में क्या हुआ, जो मध्य प्रदेश और भारत सरकार है उन्होंने एक जापानीज कंपनी के साथ टाई अप किया कि ये जो बलिया डीला की जो माइंस हैं, जो जो लोग यहाँ के जो लोग हैं और जो प्रवीर चंद्र भंजदेव हैं वो ये मानते थे कि ये उनकी जो बस्तर के लोगों की संपत्ति है, बट जो रीजनल कांग्रेस है और जो हाई कमांड है दिल्ली की वो चाहते थे कि देश देश डेवलप हो और ये सारा जो खनिज है वो जापान एक्सपोर्ट किया जाए। तो वो टकराव बढ़ी, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ी, आदिवासियों ने बहुत आंदोलन किया अपने राजा के फेवर में, बिकॉज बस्तर की जनता पूरी तरह से महाराजा प्रवीर चंद्र के फेवर में थी। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जानते कि एग्जैक्टली क्या हुआ, बट 1966 में एक फायरिंग हुई, उनके महल के अंदर आकर पुलिस ने फायरिंग की और काफ़ी ट्राइबल्स थे वो मारे गए, और जो महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव है उनकी पुलिस ने गोली मारकर उनकी भी हत्या कर दी। फिर बाद में हंगामा हुआ विधानसभा में भोपाल के, फिर दिल्ली के पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, एक जुडिशल कमिटी बिठाई गई और फिर ये कहा गया कि नहीं एक्सीडेंटल उनको तो पुलिस सेल्फ डिफेंस में फायर कर रही थी और उसमें उनको गोली लग गई जो ये है। बट आई मीन अगेन जो रोष जो था बस्तर की जनता में इस हॉरिबल हत्याकांड के लिए, तो वो तो पनपता रहा। और फिर आगे चल के इसी जो ग्रीवियंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है उसे जो नक्सली लीडर्स हैं उन्होंने एक्सप्लॉयट किया, और आज उसी जो हिस्टोरिकल ग्रीवियंस है उसे हार्नेस करके वो भारत सरकार पर या हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उस पर हमला कर रहे हैं। तो बट इसके जो कॉजेज़ हैं, ये जो माओवेस्ट इंसर्जेंसी के जो कॉजेज़ हैं वो बहुत आई मीन जो भूमकाल रिबेलियन है वहाँ तक फैले हुए हैं, और ये जुड़े हुए हैं जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके राइट्स को लेकर, उनकी जीवन शैली को लेकर।
आज भी जो बस्तर का राज परिवार है, जो महाराजा प्रवीर चंद्र भंज देव के भाई के वंशज, वो जगदलपुर के राजमहल में रहते हैं। यहाँ पर जो लोकल ट्राइबल लोग हैं वो उन्हें बहुत मानते हैं। उन्हें, जैसे मैंने पहले कहा कि द प्रीस्ट ऑफ दंतेश्वरी, यहाँ पर एक बहुत फेमस दशहरा भी होता है जो 75 डेज तक चलता है। आज अगर आप टूरिस्ट हो तो थैंकफुली अभी जो नक्सल इंसर्जेंसी इतनी नहीं है, तो आप जगदलपुर में जा सकते हो, उनका महल है, आप दंतेश्वरी के दर्शन के लिए जा सकते हो। तो जो बस्तर का जो रॉयल ट्रेडिशंस हैं, जो काकतिया पर समय से चल रही है, वो आज भी जारी है और आशा करते हैं कि आगे भी चलते रहेंगे। तो ये थी कहानी बस्तर रियासत की।